दोस्तों जब पैसा होता है तो बर्बाद करने में भी मजा आता है। ऐसे ही पैसों की बर्बादी हुई थी अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में। ईशा अंबानी ने जो शादी का जोड़ा पहना था उसकी लागत भी 90 करोड़ रुपए थी। शादी का पूरा खर्च करीब 720 करोड़ रुपए का था। शादी में मेहमानों को खाना भी आम लोगों ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और ऐसे ही सेलिब्रिटीज ने परोसा था। दुनिया भर से जो मेहमान आए थे उनको रिसीव करने के लिए रोल्स रॉयल्स और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारों में उन्हें लेके आया गया था। ईशा अंबानी की शादी का संगीत का समारोह उदयपुर के एक होटल में हुआ था जहाँ पर देश विदेश से आए मेहमानों के लिए फ्लाइट का भी एयर ट्रैफिक हो गया था। हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से ने एक बार बयान दिया था कि भारत जैसा गरीब देश उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ईशा अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी ने इसी हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से को पूरी रात 15 करोड़ रुपए में नचाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों जब पैसा होता है तो बर्बाद करने में भी मजा आता है। ऐसे ही पैसों की बर्बादी हुई थी अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में। ईशा अंबानी ने जो शादी का जोड़ा पहना था उसकी लागत भी 90 करोड़ रुपए थी। शादी का पूरा खर्च करीब 720 करोड़ रुपए का था। शादी में मेहमानों को खाना भी आम लोगों ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और ऐसे ही सेलिब्रिटीज ने परोसा था। दुनिया भर से जो मेहमान आए थे उनको रिसीव करने के लिए रोल्स रॉयल्स और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारों में उन्हें लेके आया गया था। ईशा अंबानी की शादी का संगीत का समारोह उदयपुर के एक होटल हुआ था जहाँ पर देश विदेश से आए मेहमानों के लिए फ्लाइट का भी एयर ट्रैफिक हो गया था। हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से ने एक बार बयान दिया था कि भारत जैसा गरीब देश उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ईशा अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी ने इसी हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से को पूरी रात 15 करोड़ रुपए में नचाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।